हेलो ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अनीता चौहान। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 4 इंग्रेडिएंट जिससे कि आप अपने पिंपल्स को, जिनको एक्ने भी कहा जाता है, उनको घर में कैसे ठीक कर सकते हैं। और ये जो इंग्रेडिएंट है वो आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से 4 इंग्रेडिएंट हैं जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं आपके पिंपल्स वाली स्किन के लिए। तो पहला जो इंग्रेडिएंट है वो है टी ट्री ऑयल। टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल तत्व पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में काफ़ी मददगार होते हैं। 2 बूंद टी ट्री ऑयल में 12 से 13 बूंद नारियल के तेल की मिलाएं और इसके बाद रुई की हेल्प से आप इसको अपने जहाँ जहाँ आपके पिंपल्स हैं वहाँ वहाँ यूज़ करें। ये रेमेडी आप एक दिन का गैप दे के और यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन यूज़ कर सकते हैं। हमारा सेकेंड इंग्रेडिएंट है हल्दी। तो हल्दी में कई सारे औषधिक गुण पाए जाते हैं जो कि मुहासों को ठीक करने में काफ़ी मदद करते हैं। तो हल्दी को आपको कैसे यूज़ करना है, आपको 2 चम्मच दही लेनी है, 1 चम्मच हल्दी मिलाना है और 1 चम्मच बेसन मिलाना है और इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाना है और इसको 30 मिनट के लिए फेस पे लगा के छोड़ देना है और गुनगुने पानी से धो देना है। उसके बाद आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है। इस पैक को आप हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ कर सकते हो। हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है वनीला एक्सट्रैक्ट। जो लोगों को मुहासे की समस्या बहुत ज़्यादा होती है उनको स्किन के लिए वनीला एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी ऑक्सीडेंट तत्व पिंपल्स की परेशानी को कम करते हैं, साथ ही ये ब्रेकआउट, रेडनेस और जलन की समस्या को भी ख़त्म करते हैं। सो गाइस, हमारा जो 4th इंग्रेडिएंट है वो है बेकिंग सोडा। जिन लोगों को कीन मुहासे की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है या फिर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जिनको बोला जाता है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो आपको इसको यूज़ कैसे करना है, बेकिंग सोडे को पानी में मिलाकर मुहासे वाले हिस्से पर लगाएँ और 2 से 3 मिनट बाद हल्के गर्म पानी से धो लें। हफ्ते में 2 बार ऐसा कीजिए और कुछ ही हफ्तों में आपको इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। सो गाइस, कैसे लगा मेरा वीडियो? अगर ये आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।